Hey guys, this is Ekta. Welcome to my channel Dil Ki Baatein Dil Se Dil Tak. तो ये नया ब्लॉग है जिसके अंदर मैंने और मेरे भाई ने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस. वो तो नहीं होगा लेकिन मैं ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी. ये है हमारा जन्माष्टमी ओकेशन पे एक वी ब्लॉग जिसके अंदर हमने पूरा एक्साइटमेंट दिखाया गया है वीडियो के अंदर, लेकिन वो हमने स्टोरी बताई नहीं उसमें क्योंकि वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्राउड के अंदर शूट करने के लिए. तो सोचा कि इसे अलग से बनाकर आपको बताया जाए कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा. और रही बात जन्माष्टमी के एक दिन पहले की, लाइक 22 की, तो हम काफ़ी कंफ्यूज थे कि 23 को है या 24 को है. तो पता चला कि 23 को कहीं ज़्यादा जगहों नॉर्थ में है सेलिब्रेशन और 24 को साउथ में है. और साउथ में तो कोई सेलिब्रेशन लग नहीं रहा था क्योंकि 23 को आई थिंक 24 को उन लोगों का होगा, तो 23 को तो वी आर नॉट हैविंग एनी क्लू. तो 23 को वी वर हैविंग दैट प्लान टू गो, लेकिन उस वक्त ये हुआ कि कुछ काम की वजह से नहीं हो पाया जाना. सो हमें 24 को प्लान किया जाने का. आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड क्योंकि बोलते ना जन्माष्टमी एक ऐसा त्यौहार है जो बहुत कलरफुल ट्रेडिशनल त्यौहार है हिंदू कल्चर का. तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड कि कौन सी ज्वेलरी पहननी है और कैसे तैयार होना है, कौन सा ड्रेस पहनना है. सो बिकॉज मैं कृष्ण भगवान को बहुत मानती हूँ और भगवद गीता को भी मैंने पढ़ा है, तो बहुत चीज़ों में मैं उन्हें फॉलो करती हूँ और मेरी लाइफ में भी काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, जैसे कि आपने पहले वाले वीडियो में देखा मेरे भाई के साथ. तो आई जस्ट रियली फॉलो हिम एंड आई एंड माई ब्रदर इज़ कृष्णा कॉन्शियसनेस. हम लोग उनके कॉन्शियसनेस में ही रहते हैं. और लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो आपको समझ नहीं आता, तो मेरे ख्याल से भगवद गीता में बहुत से ज़्यादा सॉल्यूशंस हैं जो आपकी लाइफ में एज अ पर्सन आप इम्प्रूव कर पाते हैं और सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है कर लेते हैं. अच्छा, बहुत हो गया मेरा ज्ञान. तो आप देखिए ये वाला वीडियो जो हम लोग अपनी मेट्रो स्टेशन पे हमने शूट किया है, तो आप देख पाएंगे कि हमारा एक्साइटमेंट क्या था और हम लोग कैसे तैयार हुए हैं और हम मेट्रो का जब वेट कर रहे हैं. मैं आपको पूरा नज़ारा दिखा रही हूँ मेट्रो स्टेशन का. अगर आप बैंगलोर की नहीं हैं तो आपको बहुत अच्छा रहेगा बिकॉज आप इसी बहाने आप बैंगलोर भी देख लेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत ही रहेगा वीडियो के अंदर, ज़्यादा मैंने कैप्चर नहीं किया. तो आई होप आप अभी देखिए वीडियो यहाँ पे के लिए बनाए. हेलो गाइस, आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पे भाई बहन इस्कॉन जा रहे हैं मेरे यार. तो वही आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारी जर्नी कैसी रह रही है. अभी हम लोग एक्चुअली लेट हो चुके हैं, तो मेट्रो स्टेशन पे अभी मेट्रो का वेट कर रहे हैं. तो जब हम पहुंचेंगे, जहां तक हम पहुंचेंगे और यहां से जर्नी जो शुरू हो रही है उसके दौरान जितनी भी बातें आपसे शेयर करेंगे और दिखाएंगे. अभी 3 मिनट रह गए हैं मेट्रो आने के लिए. आप देख सकते हो सामने एक मेट्रो आ रही है, अपोजिट साइड से आ रही है. अभी हमारी वाली यहाँ से आएगी. सो आपको बताती हूँ मैं. सो हमारी मेट्रो अभी आने ही वाली है. आई थिंक एंटर कर चुके हैं स्टेशन पे. देखिए आपको दिखाती हूँ, देख सकते हैं आप ग्रीन कलर की मेट्रो आ रही है. सो भाई रेडी? हेलो, अब हम जा रहे हैं अपने कन्हैया से मिलने. चलिए वहाँ पे पहुँच के आपसे आपको फिर वीडियो दिखाया जाएगा. सो ये देखा आपने मेट्रो का जर्नी. और अभी जो वीडियो आने वाला है उसमें आप ये देखेंगे कि मैं आपको मंदिर दिखा रही हूँ डायरेक्टली फ्रॉम मेट्रो इनसाइड, जो कि बहुत आसान होता है और बहुत क्लियरली दर्शन हो जाते हैं. और मेरे ख्याल से मेट्रो का मतलब बोल सकते हैं कि बहुत क्लियरली आप पता चल जाता है कि भाई ये इस्कॉन है. बहुत अच्छी बात तो ये है इस्कॉन की कि आप दर्शन कर सकते हैं अगर आप ग्रीन मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, तो बहुत इजी होता है. और कई बार ऐसे हुआ है कि जैसे मुझे मजेस्टिक तक जाना है या मुझे और आगे तक जाना है अपनी जर्नी को लेकर मेट्रो से, तो हर बार मैं डोर के पास खड़ी हो जाती हूँ, उसके दर्शन कर लेती हूँ और बहुत अच्छा फील करती हूँ. तो आप देखेंगे अभी कि मैं आपको इस्कॉन टेम्पल दिखाऊँगी. अभी देख सकते हैं आपको इस्कॉन टेम्पल दिखाऊँगी मेट्रो के अंदर से. तो आप देख सकते हैं आ रहा है मंदिर. जैसे कि आपने इस्कॉन टेम्पल अभी देखा, उसके बाद का जर्नी मैंने अभी फ़ोन में कैप्चर नहीं किया है बिकॉज उस टाइम पे बहुत भीड़ थी, इतनी ज़्यादा क्राउडिंग प्लेस थी. उस ऐसा लगा जैसे पता नहीं इस्कॉन में मतलब
क्या ही है, और जन्माष्टमी है तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा दिन था। तो ऐसा मतलब मैंने कभी इतना ज़्यादा क्राउड अपनी लाइफ में नहीं देखा जन्माष्टमी के ओकेशन पे, तो बहुत अच्छा था। लेकिन सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि अगर आप वहाँ पर कैमरा लेके अगर शूटिंग भी करते हो तो कोई आपको पकड़ लेता है, आपको कोई मना कर देता, तो वो बहुत ऑफेंसिव लगता, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उस दौरान अपनी शूटिंग नहीं की, लेकिन मैंने सोचा कि आपके साथ मैं एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। बहुत अच्छा लगा, जैसे कि मैंने इस्कॉन में एंटर किया, बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट लगा। और सबसे अच्छी बात थी कि उनका मैनेजमेंट जो कि बहुत अच्छा था, तीन द्वार थे एंट्रेंस के लिए, तो तीनों में इतने अच्छे से उन्होंने मैनेजमेंट किया था कि मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में भीड़ का अनुभव हुआ, लेकिन जब हमारा जर्नी शुरू होने लगा उसके बाद भीड़ धीरे 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 कम हो गई। और मैनेजमेंट अच्छा है, इस वजह से बहुत अच्छा जर्नी रहा। अभी जो वीडियो आप देखेंगे उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि हम वहाँ से कैसे वॉकवे से जा रहे हैं, वो आपको दिखाऊंगी और आप देख पाएंगे। मैं आपको एक दिखा पाऊंगी वहाँ से अपनी फिंगर पॉइंट आउट करके कि वहाँ तक हमें जाना है। तो अभी आप देखिए इस्कॉन कहाँ है और ये जर्नी कैसा रहा। तो अभी हम लाइन में लग चुके हैं बिकॉज भीड़ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे करके भीड़ कम हो जाती है बिकॉज वो भी एक मैनेजमेंट का खेल है उनका। और अभी आप देखेंगे कि हम लोग राधे कृष्ण टेम्पल में हम एंटर कर चुके हैं, और वहाँ पे एक हरिनामा मंडपा है जिसमें आप जाते हैं तो आपको 108 टाइम्स हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे 108 स्टेप्स बने हुए हैं वहाँ। तो ये एक चॉइस होती है कि अगर आपको जाना है आप जाइए, बहुत अच्छा रहता है। मेरे ख्याल से मैंने बहुत बार किया है, लेकिन जब मैं जल्दी में होती हूँ तो मैं मिस कर देती हूँ, लेकिन जब वहाँ जाके आप दर्शन करते हो आपको एक शांति मिलती है। ये नाम में ही बहुत बड़ी पॉजिटिवनेस है, पॉजिटिविटी भी है, और बहुत अच्छा लगता है। बहुत से लोग थे तो उस दिन वो बंद कर रखा था उन लोगों ने, तो पाथ हमारा अलग वे में निकाला। उसके बाद दो टेम्पल आते हैं, उनके दर्शन करने के बाद धीरे धीरे, और दर्शन बहुत फास्ट हुए क्योंकि पब्लिक इतनी थी, क्राउड, मैंने इसे बताया क्राउड बहुत था उस दिन। तो हमने वो जो दो दर्शन के टेम्पल्स हैं हमने वो क्रॉस किए, और अभी मैं आपको बताने वाली हूँ ये टेम्पल्स और उसके बाद आगे का एक्सपीरियंस। देखिए अभी आप देख रहे हैं कि हम इस्कॉन पहुंच चुके हैं। इस्कॉन टेंपल का जो मेन है, मेन जो आपको द्वार दिखाया था मैंने पीछे से फ्रॉम मेट्रो फ्रॉम पॉइंटिंग माय फिंगर, तो आप क्लियर हो चुके हैं कि इस्कॉन कैसा दिखता है। सच में बताऊं तो जब आप ऊपर पहुंचते हो उस मेन टेंपल को जो आप देखते हो आपको बहुत अच्छा फील होता है। कैसा फील होता है, जैसे कि सच में भगवान वहाँ प्रेजेंट है। मुझे तो ऐसा फील होता है, आई डोंट नो सबको होता है नहीं होता है, हर एक की सोच पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप भगवान पर फेथ रखते हैं तो आपको वो पॉजिटिविटी फील होती ही है। वहाँ भी बहुत अच्छा मैनेजमेंट था, भीड़ को काफ़ी अच्छे से उन्होंने कंट्रोल में कर रखा था। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि वहाँ पे कोई किसी के साथ
भेदभाव नहीं करता और बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सिक्योरिटी पर्सन भी है तो बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं. तो बहुत अच्छा जर्नी था, अभी आप देख पाएंगे. लेकिन सबसे अच्छी मतलब बात ये होती है कि मैंने बहुत मुश्किल से एक्चुअली शूटिंग किया है वहाँ पे, क्योंकि आपने देखा होगा मेरे वीडियो के अंदर है प्रोहिबिटेड है कैमरा, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, तो कैमरा ले जाना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है. लेकिन इसलिए मैंने कैसे मैं वो मैनेज किया, सोचा आपको थोड़ा थोड़ा दिखा दिया जाए. तो आप देखिए कैसा लगा आपको. सो रही बात शूटिंग करने की, तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी. तो बहुत मुश्किल से मैंने इस्कॉन मेन टेम्पल की भी मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई है. तो अंदर के दर्शन तो मैं आपको नहीं दिखा पाई, लेकिन आई एम सो सॉरी, बट ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इस्कॉन के, तो हम कुछ नहीं कर सकते. सो अभी हमारा जर्नी एंड होने वाला है. अभी के वीडियो में आप देख पाएंगे कि कितना क्राउड आया हुआ था और टेम्पल दूर से कैसे लगता है और आसपास का जो मैनेजमेंट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इस वाले वीडियो में. आई होप आपको पसंद आ रहा होगा ये वीडियो. एक्सपीरियंस यही था कि हमने सोचा था, जैसे मैंने बताया मैनेजमेंट बहुत सही था, तो हमने सोचा था कि 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे भीड़ में. लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, 45 मिनट्स में एवरीथिंग इज कम्प्लीट. हमारा जर्नी ख़त्म हो गया, मतलब नीचे से ऊपर तक जाने का जो भी दर्शना जर्नी था, डायटी दर्शन जर्नी, वो पूरा कम्प्लीट हो गया था. बहुत सही मैनेजमेंट लगा मुझे. और इस बात को लेकर तो मैंने उनको स्पेशली जिनको मैं जानती थी उनको मैंने थैंक यू बोला, बिकॉज बहुत ईजी रहा लोगों के लिए दर्शन करना और जन्माष्टमी को अच्छे से सेलिब्रेट करना. आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो. थैंक यू. हेलो गाइस, ये था जन्माष्टमी का वीडियो जो हमने आपके साथ शेयर किया है और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने रिलेटिव के साथ, फ्रेंड के साथ, कि जिससे हमें आपका और प्यार मिलते रहे. और सब्सक्राइब करना ना भूलिए कि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुँचते रहे. तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए दिल की बातें दिल से दिल तक. थैंक्स फॉर वॉचिंग.